48 घंटे में तस्वीर कितनी बदली है यही दिखाने के लिए हम मौजूद हैं उन बीचेस पर जहां पर 48 घंटे पहले हमने रिपोर्टिंग की थी, और आज फिर वहीं पर पहुंचे हैं जिससे कि आकलन कर सकें कि क्या कुछ बदला है। देखिए, 48 घंटे पहले जहां पर हम मौजूद थे, जहां पर हम खड़े हैं, यहां पर खड़े होना नामुमकिन था। लहरें उफान पर थीं और यहां से काफ़ी दूर तक जा रही थी, लेकिन आज पहले लहरें देखिए मुझसे अभी भी करीबन 10 से 15 मीटर की दूरी पर है, यानी कि मैं जहां पर खड़ा हूं, ये उस दिन जो है समुद्र यहां पर इतना ज़्यादा उफान पर था कि किसी के लिए यहां तक पहुंचना ही नामुमकिन था। लहरें कहां तक जा रही थीं? लहरें जो ये दुकानें हैं, दुकानों को अपने साथ वापस समुद्र में ले जाने के लिए बेताब थीं। दुकानों के पीछे तक लहरें पहुँच रही थीं, लेकिन आज लहरें काफ़ी पीछे हैं। अगर मैं कहूं कि दुकानों से करीबन 20 से 30 मीटर जो है पीछे हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। और अमूमन यहां पर इसी तरीके से समुद्र रहता भी है, क्योंकि जो सैलानी आते हैं वो इन बीचेस पर घूमते हैं और वो यहां पर आकर के अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में मस्ती करते हैं। और इसी वजह से ये जो दुकानें हैं वो थोड़ी दूरी पे बनाई गई थी, जिससे कि अगर किसी को कुछ खाना पीना हो तो वो खा पी सकते हैं। लेकिन जब ये साइक्लोन आया बिपरजॉय, तो इसने लहरों को, समुद्र को आगे तक बढ़ाता चला गया, समुद्र आगे बढ़ता चला गया और सामने जो भी आ रहा था उसको तबाह कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, तो सामान्यता यहाँ पर भी दिख रही है कि समुद्र वापस अपनी जगह पर पहुँच गया है जहाँ पर वो अमूमन होता है। और रही बात जो तबाही के निशान है, वो तो ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे करके अब जीवन सामान्य होता जा रहा है और समुद्र की लहरें, वापस आती लहरें भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। तो फिलहाल ये वो जगह जहाँ पर 48 घंटे पहले रिपोर्ट करना था नामुमकिन, लेकिन आज हम उस जगह पर खड़े होकर के कर रहे हैं रिपोर्ट और पहुंचा रहे हैं आप तक सीधी तस्वीरें। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, मांडवी जकोविच।